अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की मेरी ज़बरदस्त सी रेसिपी है बड़े पाए, मार्केट से, रेस्टोरेंट से बहुत बड़े के लजीज, हम किस तरह घर में तैयार कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की, आपकी तवज्जो की हमें अशद ज़रूरत होती है। अगर आपकी तवज्जो नहीं होगी तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। तो उम्मीद है मेरी रिक्वेस्ट आप ज़रूर मानेंगे और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करेंगे। और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी के, ये पाए मैंने कैसे बनाए। आज की रेसिपी जो है वो आपको जैसे कि पता है बड़े पाए, तो बड़े पाए के पीस इस तरह करवा लिए और इसको अच्छी तरह से हमने नॉर्मल पानी से धो लिया। धोने के बाद मैंने इसको कुकर में डाल लिया है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि ये डूब जाए। पानी इतना डालना चाहिए कि प्रेशर बनने का जो होता है इतना इसके पानी हमारा होना चाहिए, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि एक हिस्सा इसका खाली होना चाहिए। तीन हिस्से इसमें पानी डाल सकते हैं हम, ताकि प्रेशर की जो गुंजाइश है वो रहे। तो बॉयल आने का वेट करते हैं। इसका बॉयल आना शुरू हो तो हमने ये जो मैल ऊपर सी आ जाती है ये इसको हमने सबसे पहले उतार लेना है। बहुत थोड़ी सी ही आई है, सम टाइम होता है कि काफ़ी ज़्यादा ये मैल आ जाती है। तो जितनी भी आती है तो इसको हमने इस तरह स्ट्रेनर की मदद से, किसी भी चम्मच की मदद से हमने इसको निकाल लेना है। तो बाकी के इन्ग्रीडियंट्स शामिल करते हैं। बॉयल करने से पहले यानी प्रेशर देने से पहले हमने इसमें डाल देना है लहसुन। ये मैंने 3 अदद लिए जिसके रूट्स मैंने ऊपर से काट के अच्छी तरह से धो लिया है। रूट्स लाजमी काट के धोना चाहिए क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो 3 अदद दरमियाने साइज के लहसुन ये मैंने डाल दिए। 2 इंच का टुकड़ा इस तरह छील के काट के ये साबुत डाल देते हैं। 1 अदद प्याज जिसको दरमियान में मैंने इस तरह स्क्वायर में कट लगा लिया ये डाल देते हैं। 1 पोटली बना लेते हैं। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के सौंफ, 3 अदद बड़ी इलायची जिनके मुंह खोल लिए और 10 से 12 अदद छोटी इलायची इनके भी मुंह खोल लिए ये डाल देते हैं। 3 से 4 अदद बादेख्ताई के फूल, 14 से 15 लौंग, 4 से 5 दालचीनी के स्टिक, 2 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ये डाल देते हैं। क्योंकि साबुत मेरे पास नहीं था, अगर साबुत हो तो आप साबुत डालें। तो बस इसकी हमने लूज सी पोटली बना लेनी है, यानी टाइट करके नहीं बनानी, लूज करके हमने बांधना है। लूज इतना नहीं बांधना, ये खुल जाए। इस तरह मैं दूसरी डोरी के साथ इसको बांध लेती हूँ अच्छी तरह से, मगर मैं इसको लूज ही रखूंगी। ये जो पोटली हमने बनाई है ये भी इसके अंदर डाल देंगे, इस तरह डिबो देंगे। और इसी स्टेज पे मैंने इसको प्रेशर लगा देना है। प्रेशर हम इसको तकरीबन 1 घंटा लगाएंगे। 1 घंटे के बाद हम चेक करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा से भी हम लगा सकते हैं। प्रेशर देते हुए तकरीबन हमें 1.5 आवर हो गए हैं। 1 घंटे के बाद मैंने इसको खोला था, मगर इसमें मुझे कसर नजर आई थी, यानी मेरे मुताबिक अभी नहीं हुआ था। तो बस इस स्टेज पे ये जो पोटली हमने बनाई थी इसको निकाल के, निचोड़ के हम डाल लेंगे और इसको वेस्ट कर देंगे। इसके अंदर का मसाला हमने नहीं डालना। और इसी के साथ जो लहसुन हमने साबुत डाला था उसको निकाल के ठंडा करके वो हम मसाले में यूज करेंगे। और साथ साथ जो फालतू हड्डियां हैं, यानी ये जैसे बड़ी हड्डियां हैं, इनको भी झाड़ के हम इसमें डाल लेंगे। तो बस इस स्टेज पे लहसुन को निकाल के तो मैं दूसरा मसाला तैयार करती हूँ, तो दिखाती हूँ आपको। उसी कुकर को खाली करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया 1/2 कप ऑयल। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, क्योंकि घी इस पे कम जाता है, ऑयल वगैरह उसमें अपना ही ऑयल ज़्यादा होता है। तो 2 मीडियम साइज के प्याज स्लाइस करके ये डाल देते हैं। और इसको हमने लाइट ब्राउन करना है, तो सबसे चम्मच चलाते हुए, ये नहीं है कि हमने चम्मच छोड़ देना है कहीं से ज़्यादा डार्क और कहीं से लाइट रह जाएगा, इसलिए हमने चम्मच चलाते हुए इसको लाइट सा ब्राउन कलर दे देना है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है, तो इस स्टेज पे जो लहसुन मैंने निचोड़ा है, यानी जो हमने इसमें डाला था, पाए में डाला था, तो उसको निचोड़ लिया, और जो पोटली थी उसको भी निचोड़ लिया। तो इसी स्टेज पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये भी डाल देते हैं और थोड़ा सा करते हैं इसको मिक्स, और फिर डालते हैं इसमें अपने मसाला जात। सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून भर के, नमक 1 टेबल स्पून भर के, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून। मसाला जात को बस मिक्स करते हैं और इसमें मैं डालूंगी पानी 1 गिलास, क्योंकि हमने फिर से इसको प्रेशर देना है ताकि प्याज जो हमारा है वो खड़ा खड़ा ना नजर आए। खड़ा खड़ा बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं लगता, तो हमने प्याज को बिल्कुल पेस्ट की तरह करना है। तो इसलिए मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाती हूँ।
3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर दे दिया ताकि प्याज हमारा अच्छी तरह से गल जाए, मिक्स हो जाए। तो बस थोड़ा सा ये जो पानी है ये ड्राई होता है तो हमने मसाले को थोड़ा सा भूनना है ताकि मसालों की खुशबू निकल के आए। तो इसके बाद हम अपने पके हुए जो पाए हैं इसमें ऐड करेंगे। मसाला हमारा देखे माशाल्लाह अच्छी तरह से भून गया है, यानी ऑयल जो हमने डाला था बिल्कुल सेपरेट हो गया है, तो हमें इसी तरह का चाहिए था। तो इस स्टेज पे हम डाल देते हैं अपने जो पाए उबले हुए थे, तो ये डाल देते हैं सारे के सारे। पाए डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके तो सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए दम वाली आंच पे मैं इसको छोड़ दूंगी, यानी थोड़ा सा ढक्कन लगा के, वैसे नहीं हमने कुकर बंद नहीं करना, बस ढक्कन को ऊपर रख के 2 मिनट के लिए दम पे छोड़ती है ताकि ऑयल इसका ऊपर आ जाए। दम पे छोड़े हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, तो देखे रोगन जितना भी था वो ऊपर तर के आ गया, तो हमें इसी तरह का चाहिए था। तो बस घर का गर्म मसाला जिसमें जायफल, जलबित्री सारे ही मसाला जात इसमें है, तो ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें डालेंगे तो हमारे पाए माशाल्लाह तैयार है। तो करती हूँ मैं इसको डिश आउट, दिखाती हूँ फाइनल आपको। तो ये था मेरा आज का तरीका बड़े पाए बनाने का, बहुत ही शानदार दिखने में और खाने में इंतहाई मजेदार के उंगलियां आपकी जुड़ जाएंगी। शोरबा आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम ज्यादा रख सकते हैं, मैं नॉर्मल ही रखती हूँ क्योंकि मुझे ना इतना थिन पसंद है और ना इतना थिक पसंद है। तो चाहे नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ, इंतहाई मजेदार लगते हैं। तो उम्मीद है मेरी रेसिपी को पसंद करते हुए आप मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट करेंगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।